तो आसमान की ऊंचाइयों में छूते हुए हम लोग, ये भी मैं पहुंच गया पत्थर में, और ये चारों तरफ मेरे छोटा सा समुद्र। तो दोस्तों अभी हम लोग वहां पे थे, तो आप लोग देख सकते हैं उधर आप लोग तालाब दिख रहा होगा एक छोटा सा। दोस्तों अभी ट्रेन निकल चुकी है, अब सिंगल साइकिल थी, लोग दो हैं तो सफर तो करना पड़ेगा। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल बताया था कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, तो मैं अभी जा रहा हूँ मानिकपुर, क्योंकि मानिकपुर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और सुबह की ट्रेन है 8 बजे की। तो अभी फिलहाल निकलते हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। दोस्तों मैं स्टेशन आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं स्टेशन है, और ये आया है मुझे छोड़ने। अभी फिलहाल चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ट्रेन निकलने वाली है, और ट्रेन पूरी अभी खाली जा रही है। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी प्रयागराज में, और आप लोग देख सकते हैं ये प्रयागराज का स्टेशन है, कुछ ऐसा दिखता है प्रयागराज। अभी फिलहाल मानिकपुर यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो आप लोगों को सीधा मानिकपुर में मिलूंगा। चलिए चलते हैं। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Finally, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ मानिकपुर जंक्शन। आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन। अभी फिलहाल करते हैं विनय को कॉल और देखते हैं कहाँ पे है, फिर चलते हैं इसके रूम। हेलो हेलो, कहाँ हो विनय? हैं पीछे होगी, अभी आगे हो उधर स्टेशन पे, इधर से गाड़ी आई उधर होगी, तो इंजन की तरफ हो, बीच में कहाँ पर हो यार, प्लेटफॉर्म के नीचे हो क्या? हेलो, अरे कहाँ, बीच में हो कि पीछे की आगे? ठीक है, मिल गया। तो फाइनली विनय मिल चुका है, आप लोग दिखाते हैं कहाँ पे है विनय, वो आ रहा है। ये विनय, ये मानिकपुर जंक्शन आप लोग देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं रूम। देख लिए हम पे खुद पर दियो, हम खाती पीने साथ रही है। कौन सा रूम आया? देखिए पीछे, आगे वाला है कि नहीं? ये जो घर बने के पीछे। अच्छा, वहाँ पे एक गली दिख रही है। अच्छा अच्छा, कितना दूर है यहाँ से रूम? 100 मीटर। कितना दूर हुई रूम तुम्हारे से? एक रास्ता इधर से भी है सीधे, 100 या 150 मीटर आए थे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं विनय के रूम, और आप लोग देख सकते हैं यह है विनय का पूरा रूम, और विनय के पार्टनर। हेलो भाई, ये है विनय का रूम, ऐसा विनय का रूम, और विनय अभी फिर सेट कर रहा है अपना रूम ताकि अच्छा लगे दिखाने में। तो दोस्तों अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, और खाना कौन परोस रहा है? विनय। बस करो यार, इतनी दाल कौन खाई यार, और कम दो, वो तुम्हारा है, हमका ये मत दो थोड़ा सा। बस बस बस, एक रोटी खा। हाँ दाल तो बहुत मस्त बनाया यार, बस करो बस करो। अरे हम खाना खा के चला रहा है घर से भाई। तो ये हैं विनय भैया। तो दोस्तों अभी खाना खाने जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं खाने में एक रोटी और चावल और दाल। तो अभी खाना खा के देखते हैं विनय के हाथों का खाना कैसा है, फिर बताते हैं आपको।
भाई विनय बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत बढ़िया खाना बनाया वो। भाई सीख लिए यहाँ, ये सब सीख जाते हैं भाई। मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ और आप लोग दिखाता हूँ यहाँ की लेटरिन बाथरूम कैसी है। अभी चलते हैं। और ये भी रूम है एक, अभी सब लोग गए हैं अपने घर। और ये भी रूम है, ये भी रूम है, यहाँ सब बच्चे रहते हैं हॉस्टल वाले। ये है लेटरिन और बाथरूम, ये है बाथरूम। वाह यार भाई साहब कितना बड़ा बाथरूम है। और आप लोग दिखाता हूँ, ये इधर है लेटरिन, साफ है कि नहीं, लाइट कहाँ है इसकी, ये लाइट। और ये है हाथ पैर धुलने के लिए। यहाँ पर सभी लोग पढ़ने वाले ही रहते हैं केवल। तो फिलहाल रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर आपसे मिलते हैं। अभी रूम में लाइट कम पड़ रही है तो देखो विनय क्या करने जा रहा है, लाइट लगाने 2 घंटे बाद। तो दोस्तों मैं उठ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। और मैंने अभी ये टी शर्ट पहन ली है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और हम लोग जा रहे हैं साइकिल से, चलिए अभी चलते हैं। साइकिल नहीं चल पा रहेगा, संभव यार नहीं चल पाएगी। वजन है भाई, तुम माइंड है ना, देख लिया हमारा वजन 50 किलो से कम नहीं है। नहीं यार इतना वजन ना हुई। अरे अनिल बैठेगा तेरा, इतना नहीं हो रहा। चलो चलिए भाई इधर चलिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विनय के कॉलेज। ये है विनय का कॉलेज पॉलिटेक्निक का। और उधर आप लोग देख रहे होंगे पहाड़। और ये है विनय। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं किसी और लोकेशन पे। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ साइकिल चलाने और विनय बैठेगा साइकिल में। ये लो ब्लॉगिंग करो, बस साइकिल तुम्हारा भाई चलाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं उधर आप लोग तालाब दिख रहा होगा एक छोटा सा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं और आगे, इसके आगे एक और बड़ा तालाब है। लेकिन भाई मज़ा आ रहा साइकिल चलाने में यहाँ पे। अभी चल रहे हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है यहाँ। अब सिंगल साइकिल थी, लोग दो हैं तो सफ़र तो करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 3-4 किलोमीटर ही है, लेकिन हाँ अभी धूप है ना थोड़ी थोड़ी, इसलिए साइकिल लेना ज़रूरी था। ओए होए चैन उतर गई, चढ़ाई यार चैन उतर, दोस्तों चैन उतर गई साइकिल की। क्या यार पूरी रेस ख़राब हो गई। अभी चैन बना रहे हैं विनय सर। यार पूरी स्पीड बनी हुई थी पर चैन उतर गई। दोस्तों ये है पुरानी हवेली 1920 में, आप लोगों ने देखी होगी। ये है पुरानी हवेली उसमें की, यहाँ पे कोई नहीं रहता, पूरा खाली पड़ा है। आप लोग दिख रहा होगा कैमरे में, पूरा खाली पड़ा है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी दूर और बचा है, लेकिन पानी भी प्यास लगने लगी है अभी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं साइकिल लेके समुद्र किनारे। साइकिल पंचर हो जाएगी तो साइकिल ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, यहीं खड़ी कर देते हैं। मगरमच्छ तो नहीं रहते हैं, सही, लेकिन अब इतनी ठंड नहीं, बारिश नहीं होती। अच्छा तो नहीं यार मगरमच्छ हो तो भाई बता दियो यार, दूर रही। अबे बारिश के बहाव हम जिसे आ जाते तो वही पड़े रहा था। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं समुद्र किनारे और अभी हम बनाएंगे यहाँ पे 2-4 रील इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना मिले तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से लिंक सीधे पहुँच सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे। तो वहाँ के लिए रील बनाएंगे। और आ चुके हैं, समुद्र है देख रहे हो आप, ये समुद्र नहीं है नदी है, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
पानी ही पानी है चारों तरफ। यहाँ पे लोग नहाते नहीं है, केवल देखते हैं बस। और उधर भी आप लोग पानी दिख रहा होगा, ऐसे गया है पानी यहाँ से उधर साइड बहुत गया है, वो उधर एरिया बहुत ज़्यादा कवर है, इधर से आया है पानी। तो अभी यहाँ पे बनाते हैं इंस्टाग्राम में थोड़ी रील, फिर आपसे मिलते हैं। Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. तो अभी हम यहाँ पर घूम लिए, काफी देर तक घूम लिए, अब जा रहे हैं हम कहीं और लोकेशन पे, देखते हैं कोई और लोकेशन अच्छे से मिलती है तो वहाँ चल के व्लॉग बनाएंगे। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. अभी विनय वहाँ पे पहुँच गए, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा होगा। अभी फिलहाल चलते हैं। वैसे यहाँ पे मोटरसाइकिल लाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ साइकिल आ सकती पर मोटरसाइकिल नहीं, क्योंकि इधर थोड़ा कांटे कूटे ज़्यादा हैं। और साइकिल पे तो उतर भी सकते हैं, घसीट सकते हैं, पर मोटरसाइकिल को कहाँ से उतर के घसीट सकते हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे और फिर आप लोग दिखाते हैं यहाँ से कितना मस्त व्यू आता है, क्योंकि यहाँ से पानी एकदम नज़दीक है और हम काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ऊंचाई पे हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तभी हम पहुँच चुके हैं पानी के पास, आप लोग देख सकते हैं ऐसे है पानी और इधर चारों तरफ पानी पानी है। आ गए हम समुंदर में और ये है विनय, आप लोग देख सकते हैं विनय कितना नीचे है, यहाँ से गया भाई, लेकिन काफ़ी मस्त जगह है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ भाई, ये तो यहीं पे रहते हैं, अब 3 साल तक यहीं रहेगा, पढ़ाई कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक दो रील और बनाएंगे, फिर शायद निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि प्यास भी लगी है और पानी तो यहाँ पी नहीं सकते क्योंकि बहुत नीचे है पानी। आप लोग दिख रहा होगा वहाँ पे लोग मछली पकड़ने जाते हैं। दोस्तों मैं भी नीचे जा रहा हूँ अभी, भाई मछली है, मछली मछली है, लहर की आवाज आ रही है। ये भी मैं पहुंच गया पत्थर में और ये चारों तरफ मेरे छोटा सा समुंदर, और आप लोग देख सकते हैं पानी, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पत्थर पे और उधर पानी ही पानी है चारों तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग वहाँ पे थे, आप लोगों को दिख रहा होगा उधर साइड थे, और वहाँ से होते होते घूम के इधर से आए हैं और यहाँ पे हैं अब। तो दोस्तों हम यहाँ पे घूम लिए, आप लोग देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा पानी था और काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ घूम रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। तो अभी फ़िलहाल रूम चलते हैं और ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आसमान की ऊंचाइयों में छूटे हुए हम लोग अभी इन पहाड़ों की वादियों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। कोहरा।